पास्टर जाला शफीक, चर्च पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है, कराची से। और खुदा ने ये फजल बख्शा है कि फर्स्ट ट्रांसजेंडर चर्च का जो है मैंने आगाज़ किया है। हम लोग जब जाते हैं तो लोग हमारी तरफ बड़ी गौर से देखते हैं, हमें बड़ा फील होता है कि शायद हम में कौन सी चीज़ है जो देख रहे हैं। ये थोड़ा सा हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम लोग ना गैरों के अंदर आ गए हैं। तो अलहदा से चर्च इसलिए हमें होना चाहिए ताकि हम आराम से सब लोग ट्रांसजेंडर उसमें हों और ईजी हम लोग वहाँ पर इबादत कर सकें। खुदा का कलाम तो इनके लिए बहुत वाजे है, लेकिन इंसानों का रवैया, चर्च का रवैया वो नहीं है जो खुदा के कलाम ने सिखाया है। ये बहुत खुश है कि इनका कोई चर्च बना है जो जहाँ ये आकर आज़ादी से बाइबल पढ़ सकते, क्योंकि जब मैं इनको दूसरे चर्चेज में लेकर जाती हूँ तो सब लोग घूर घूर के देखते हैं, वो मुझे भी घूरना शुरू हो जाते हैं। और तो ये नहीं कि ये रास्तबाजी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, हमें हम आगे लगेंगे, हम इनका हाथ थामेंगे, हम इनको राह दिखाएंगे। ये तो हमें अभी मिली है, शायद ये हमें पहले मिलती तो हमने कितना कुछ हासिल हो जाता इन चीज़ों से। और जैसे हम चर्च में इंटर होते हैं और आवाम देख के, तो हमें ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाती है और देखती और हंसने लग जाती है, और मैं बहुत गिल्टी फील करती हूँ कि ये बहुत अच्छा ये इन्होंने स्टेप उठाया और ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या सो कहते हैं, हमारे भी संडे स्कूल हो, हमारा भी चर्च हो, जिसको हम आके ओपन करें और दुआ करें और खुदावन का नाम लें और इज़्ज़त और जलाल हमें मिले। सब लोग खुदावन की आवाज़ सुनेंगे। और जिस तरह पास्टर हमें पास्टर गजाला शफीक हमें गाइड कर रही हैं और हमें लीड भी कर रही हैं, और एक अलहदा से हमारे लिए चर्च जो इस्टेब्लिश करने जा रही हैं ताकि हमें वहाँ पे ये गाइड करेंगी और हमें मसीह तलीम भी देंगी, बाइबल स्टडी होगी हमारी, और इस तरह से जो है थोड़ा जिस तरह हमारा जहन थोड़ा भटका हुआ है तो वो ब्रेन वॉश हो जाएगा और हम लोग खुदावन की तरफ आएंगे, इस तरह हमारे साथ साथ चलते जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब काफिला चलता है ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे लोग हों, एक बंदा होगा उसके साथ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह बहुत सारा बहुत बड़ा काफिला बन जाएगा। हमें भी अपने दरवाजे खोलने, अपने घर खोलने, अपने अदारे खोलने, इनको एजुकेशन दी जाए, इनके लिए मंसूबे बांधे जाएं, इनको नॉर्मल घर का फ़र्द तस्लीम किया जाए ताकि ये भी उसी तरह खुदा की बादशाही में शरीक हों जिस तरह हमारे दूसरे बच्चे खुदा की बादशाही के वारिस हैं।